हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी, ब्लॉगर्स, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो किसका घर और कौन यहाँ पे चौकीदारी कर रहा है? गुनगुन मैडम बनी है चौकीदारनी, और गुनगुन मैडम की समर की मम्मी सासू माँ वो तो है ही एकदम ज़मींदारनी। तो मतलब कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, ज़मींदारनी की बहू चौकीदारनी, वाह क्या बात है। पर यहाँ पे गुनगुन मैडम, तुमसे मेरा एक सवाल है, तुम्हारे पापा ने क्या फ्लैट समर और समर की मम्मी के नाम में किया? तुम तो एकदम जैसे यहाँ पे आके बस गई, वहाँ पे रहने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? खटमल हो गए क्या घर में? और यहाँ पे तुम जो शुरू से ही बसना चाहती थी समर के घर में, तो तुम्हारा सपना फिर से पूरा हो रहा है, फिर समर के घर में तुम आके बैठ गई हो। यहाँ पे तुम एकदम लगता है कुंडली मार के बैठी हो इसकी बार। और यहाँ पे राधिका, राधिका तुम्हें तो घर में घुसते ही जब तुम देख रही हो गुनगुन बैठी हुई है, इतना गुनगुन से पचर पचर क्या कर रही हो? तुम उस घर की मालकिन हो, वो तुम्हारा घर है। सीधा बालों को खींचती और बाहर टांग के फेंकती उसे, सीधा बोलती जब तुम्हारे दोनों रक्षक आएंगे घर में, अंगरक्षक के सामने आना, अभी यहाँ पे मत आओ, अभी यहाँ से गेट आउट हो जाओ, अभी मैं इस घर में हूँ, मेरे सामने किसी का प्रेजेंस नहीं चाहिए। तुम्हें तो सीधा ये बोलना चाहिए था। और यहाँ पे गुनगुन, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम उसको सामान लेने से रोकोगी। तुम जो यहाँ बोल रही हो कि सासू माँ नहीं है और यहाँ पे समर नहीं है, अपने हस्बैंड को फ़ोन करो, वो अपने हस्बैंड को क्यों फ़ोन करेगी? उसको फ़ोन करना तो अपने हस्बैंड को फ़ोन करके आती। तुमको फ़ोन करना है, तुम फ़ोन करो समर को, तुम समर की माँ को फ़ोन करो, वो तो फ़ोन नहीं करेगी। उसका घर है, वो अपना सामान हक से लेने के लिए आई है, अब वो लेके जाएगी। और यहाँ पे तुम जो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो अपने फ्लैट में रहना चाहिए। तो तुम क्यों रहोगी? तुम्हारा तो सपना पूरा हो रहा है, तुमको तो यहाँ समर के घर में ही रहना था, चाहे वो किराए में रहे या अपने घर में रहे, बस तुमको तो अच्छा ही है। ध्रुव भी साइड से निकल गया, अब तुम्हारा रास्ता हो गया क्लियर। और यहाँ पे राधिका, राधिका को तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगी, ऐसे इंसानों के मुंह मत लगो, जो चीज़ चाहिए लेके जाओ, और यहाँ पे अपना हक अपने आप ही तुमको लेना पड़ेगा। ये लड़की है, ये तुम्हारा हक मारने में लगी है, पहले पति को ले ली और अब घर में कब्जा करके अब घर को भी अच्छा से वो कर रही है। तो इसमें गुनगुन का भी तो शेयर तो गुनगुन को समर की माँ दे रही है, तो यहाँ पे तो राधिका तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। बस आप जो ठान ली हो उसी को करो, डिवोर्स फाइल करो, और इतने अच्छे से समर को सबक सिखाओ कि लंबे के लिए जेल में जाए, और ये मैडम को भी मत छोड़ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और अब तो समर की मम्मी को फ़ोन किया जा रहा है, देखें अब वो मैडम जी आके क्या बोलती है। तो जिसको मैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और